दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है और ये दोनों कैसे काम करती हैं? दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रोजेक्टाइल की तरह लॉन्च की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी बॉल को हवा में फेंकते हैं, फिर वह बॉल अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है, यानी फोर्स केवल ऊपर पहुंचाने के लिए लगाना होता है। ये किसी प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है। टारगेट की दूरी को कैलकुलेट करके मिसाइल को ऊपर की तरफ लॉन्च किया जाता है, फिर मिसाइल ग्रेविटी की वजह से पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल में कोई गाइडिंग सिस्टम नहीं होता है, यानी मिसाइल को लॉन्च करने के बाद इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये मिसाइल मूविंग टारगेट को हिट नहीं कर सकती। जनरली बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर हमलों के लिए यूज की जाती है। वहीं क्रूज मिसाइल जेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये एक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि एक बार लॉन्च करने के बाद भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए ये मिसाइल मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकती है। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आती है, वहीं पृथ्वी, अग्नि और धनुष मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।